अरब से इसराइल पर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद से दुनिया में हड़कंप मच गया है। हालांकि अमेरिका की ओर से इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि ईरान इसराइल से बदला लेगा, और हुआ भी वही। ईरान ने पहली बार इसराइल पर सीधा अटैक किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि ईरान ने 150 से ज्यादा फिदाइन ड्रोन और 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इसराइल की तरफ दागे। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक ईरान के हमले में इसराइल के नेवातिम एयरफोर्स बेस को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले की वजह से मची भगदड़ में 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरान के हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फॉरेन डिफेंस फोर्स और बाकी अधिकारियों के साथ वॉर मीटिंग की। उधर हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान का आधिकारिक बयान भी सामने आ गया है, जिसमें ईरान ने युद्ध खत्म करने की बात कही। ईरान ने कहा कि इजरायल पर उसका ड्रोन हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 पर आधारित है। ये हमला सीरिया के दमिश्क में उसके दूतावास पर इजरायल के 1 अप्रैल के हमले के जवाब में किया गया था। ईरान ने कहा कि हमले के साथ ही मामले को खत्म माना जा सकता है, यानी ईरान ने इस युद्ध के खत्म होने की बात कह दी है। हालांकि ईरान ने अपने इस आधिकारिक संदेश में इसराइल के साथ साथ अमेरिका को भी चेतावनी दे डाली। ईरान ने कहा कि अगर इसराइल शासन ने एक और गलती की तो ईरान की प्रतिक्रिया काफी गंभीर होगी। ये संघर्ष ईरान इसराइल के बीच है, जिससे अमेरिका को दूर रहना चाहिए। ईरान के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच युद्ध समाप्त हो गया है। हालांकि इसराइल अभी भी पूरी तरह से सतर्क है। इसराइल ने अपना एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया है। वायुसेना और जल सेना दोनों ही हाई अलर्ट मोड पर हैं और कड़ी निगरानी बनाए हुए हैं। वहीं इसराइल ने उत्तरी गोलान हाइट्स, दक्षिणी इसराइल समेत कई बाकी क्षेत्रों में लोगों को निर्देश दिए हैं कि वो अगली सूचना तक बॉम्ब शेल्टर के करीब ही रहें। ईरान भले ही युद्ध खत्म करने की बात कह रहा हो, लेकिन इसराइल इतनी आसानी से इसे मंजूर करने वाला नहीं है। ईरान का इसराइल और अमेरिका से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। ईरान की 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही इसराइल और ईरान की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। इसके बाद ये पहला मौका है जब ईरान ने इसराइल पर सीधा सैन्य हमला किया है। इस हमले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उथल पुथल मची है। फ्रांस ने ईरान के इस हमले को लेकर कहा है कि तेहरान ने एक नई सीमा पार कर दी है, जिससे वैश्विक स्तर पर सैन्य तनाव और बढ़ेगा। वहीं ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने बड़ा दावा किया है। चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि ईरान ने इसराइल के 2 एयरबेस को तबाह कर दिया है। इस ऑपरेशन की योजना उस हवाई अड्डे को निशाना बनाने के लिए बनाई गई थी, जहां से सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला करने वाले इजरायली विमानों को लॉन्च किया गया था। टाइम्स ऑन भारत डिजिटल की रिपोर्ट।